वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास MI का 8A ड्यूल मोबाइल है जो कि रिपेयर होने के लिए मेरे पास आया है। यह फ़ोन कस्टमर ने दो ही दिन पहले किसी दुकान से ग्लास चेंज करवाया था। ग्लास चेंज करवाने के बाद इसमें बबल आ गया और इसकी सारी मिडल पर एक्स्ट्रा ग्लू लगी हुई है और केमिकल जाने की वजह से सारी डिस्प्ले का जो रिफ्लेक्टर है वो भी ख़राब हो गया है। तो आज हम इसमें न्यू डिस्प्ले इंस्टॉल करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मोबाइल को ओपन कर लेता हूं। डिस्प्ले उतारने के लिए मैं हॉट एयर गन का यूज़ करूँगा। दोस्तों, डिस्प्ले उतारने के बाद हमने मिडल को अच्छे से क्लीन करना है ताकि न्यू डिस्प्ले इस पे अच्छे से फिट हो सके। दोस्तों, यह है न्यू OG डिस्प्ले है जो कि मैंने मार्केट से परचेज किया है। डिस्प्ले को फिक्स करने से पहले दोस्तों इसे अच्छे से चलाकर चेक करना होता है, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूं। तो इसके कलर, टच और ब्राइटनेस क्वालिटी कैसी होती है वो मैं वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम फोल्डर को यहाँ फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ ओरिजिनल T7000 ग्लू का यूज़ करूँगा।
दोस्तों मोबाइल ऑन हो गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी ब्राइटनेस की, तो इसकी ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है, प्रॉपर वर्क कर रही है। अब इसकी टच की बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी टच भी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। कलर कंट्रास्ट की बात करें तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर है। अब हम इस पे रबड़ लगाकर 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से यह चिपक जाए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।